नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नए जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, चाहे आप डी फार्मा के स्टूडेंट हो या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट परेशान हैं, क्या संडे को भी आपका पेपर होगा, क्या 16 जनवरी से ही पेपर होगा, या इसमें एक बार चेंजिंग हो सकता है और इस टाइम टेबल में क्या परिवर्तन हो सकता है, रविवार को भी पेपर होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे सवालों को जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ यूँ यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल पे हम आपको BTUP डी फार्मा पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। यदि आप लोग किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके उस बताइएगा, जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टाइप पर बनाया जाएगा। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जावेद मुस्तफा सर का ट्वीट है, जरूरत पड़ने पर रविवार को भी परीक्षा होती है, पिछले वर्ष हुई थी। जी हाँ साथियों, 100% राइट है कि पिछले साल जो है साथियों संडे को पेपर हुआ था और जरूरत पड़ने पर होगी, अवश्य होगी। आप लोग इसके कंफ्यूजन में ना रहें, इस बार संडे है तो उसमें जो है आपका टाइम टेबल चेंज कर दिया जाएगा, पेपर नहीं हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, संडे को भी एग्जाम कराया जाता है, इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, कोई इसमें संशोधन की ना की संभावना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, आज पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा कार्यक्रम आया है वह बिल्कुल सही है, 16 जनवरी से परीक्षा प्रस्तावित है, तैयारी में जुट जाइए। आप लोग इसके जो है कंफ्यूजन में ना रहिए डेट शीट के चक्कर में, आपका एग्जाम जो है साथियों 16 जनवरी से ही है। आप लोग अपने एग्जाम की बची हुई तैयारी कीजिए, लगभग 10 दिन के आसपास समय है, तो इसमें आप अपना समय जाया ना करें। और डी फार्मा के लिए स्टूडेंट का जिनको बैक पेपर या स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे या भर चुके हैं तो उनके लिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए आपकी परीक्षा जो है साथियों यहाँ पर देख सकते हैं 1 तारीख से शुरू है, ठीक है, 1 फरवरी से। आप लोगों के पास लगभग 20 से 25 दिन है, तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डेट शीट है, जो कि आपकी सारी परीक्षाएं जो है 7 फरवरी तक आपका सारा एग्जाम समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपके कितने सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ था, आप लोग प्लीज कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि आपके सब्जेक्ट संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी आती है, कोई भी अपडेट आती है, तो हम अवश्य ही आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। और बात कर लेते हैं साथियों, क्या डी फार्मा और पॉलिटेक्निक जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं उनकी कॉलेज में मार्कशीट कब तक आएगी, क्योंकि साथियों अब तो रिजल्ट सबका अपडेट हो गया है। तो ऐसे में साथियों हम आपको बता दें कि आपके कॉलेज में मार्कशीट अब जो है जनवरी के लास्ट तक आपके कॉलेज में मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है, और आपको लगभग 1 महीने के आसपास में मिल जाएगा। उसके बाद ही आप लोग जो है फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने में लेट हो रहा है, तो ऐसा जो है साथियों हो जाता है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टाइप आप नहीं करवाइएगा, नहीं तो कुछ दिक्कत हो सकती है आपको। सारा काम ऑनलाइन हो चुका है, तो प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, अभी तक वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।